हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट सिलेक्टिव 5HT1D रिसेप्टर एगोनिस्ट, अल्फा मिथाइल 5HT, ओंडेंसेट्रॉन, सुमेट्रिप्टन, ब्यूस्पिरॉन। सिलेक्टिव 5HT1D रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या होगा? तो ये सुमेट्रिप्टन होता है ना, ऑप्शन सी। क्या होता है ये? तो ये 5HT1D1B रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ना। सुमेट्रिप्टन किस में यूज करते हैं इसका? तो माइग्रेन में यूज करते हैं सुमेट्रिप्टन का। ये फिफ्थ क्रैनियल नर्व का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है। फिफ्थ क्रैनियल नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व, इसका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है सुमेट्रिप्टन। ठीक है, इसलिए इसका यूज करते हैं माइग्रेन में। देन ओंडेंसेट्रॉन क्या होता है? तो ये 5HT3 एंटागोनिस्ट होता है ना, ओंडेंसेट्रॉन, ट्रॉपीसेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन, ये होते हैं 5HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देन ब्यूस्पिरॉन के बारे में हमने क्या देखा था? तो ये 5HT1A पार्शियल रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ना ब्यूस्पिरॉन, 5HT1A पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ड्रग डज नॉट इंक्लूड इन डीमार्ड? इनमें से डीमार्ड में डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में कौन सा नहीं आता? क्लोरोक्विन, विनक्रिस्टिन, अजाथियोप्रिन, लेफ्लुनोमाइड। तो क्या देखा था हमने क्लासिफिकेशन में डीमार्ड्स के? तो क्लोरोक्विन आता है क्या? तो ये आता है इसमें, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिक क्लोरोक्विन। विनक्रिस्टिन किस में देखा था? तो ये हमने एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, विन के अल्कलॉइड होता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। सो ये डीमार्ड में नहीं आएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अजाथियोप्रिन, लेफ्लुनोमाइड, ये दोनों भी आते हैं डीमार्ड्स में। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेस टॉर्सेट्स डी पॉइंट्स? एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन, सिप्रोहेप्टाडिन, टर्फेनाडिन। कौन कॉज कराएगा टॉर्सेट डी पॉइंट्स? टॉर्सेट डी पॉइंट्स होता है क्यूटी प्रोलोंगेशन। कौन कॉज कराएगा? तो टर्फेनाडिन कॉज कराता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किसमें आता है टर्फेनाडिन? तो ये एंटी हिस्टामिनिक होता है ना, ये कॉज कराता है क्यूटी प्रोलोंगेशन। देन और कौन से ड्रग्स कॉज कराते हैं टॉर्सेट डी पॉइंट्स? तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स में जो ड्रग्स आते हैं क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपिरामिड, ये भी कॉज कराएंगे क्यूटी प्रोलोंगेशन, टॉर्सेट डी पॉइंट्स। देन जो प्रोकाइनेटिक एजेंट होता है सिसाप्राइड, सिसाप्राइड, ये भी कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट। देन एंटी डिप्रेसेंट्स में कौन सा देखा था हमने? तो एमीट्रिप्टिलिन कॉज कराता है ना टॉर्सेट डी पॉइंट्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। The primary mechanism of action of benzodiazepines is dopamine antagonism, GABA mimetic action, opening of neuronal chloride channel, facilitation of GABA mediated chloride ion channel। क्या होता है benzodiazepines का mechanism of action? तो ये जो benzodiazepines होते हैं ये increase कराते हैं frequency of chloride channel opening। So dopamine antagonism ये नहीं होगा, GABA mimetic action तो ये भी नहीं होगा, opening of neuronal chloride channel ये भी नहीं होगा, फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिकेटेड क्लोराइड आयन चैनल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ये होता है बेंजोडाइजेपाइंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस थेरेपी इन अनकॉम्प्लिकेटेड बाइपोलर डिसऑर्डर? सोडियम वैलप्रोएट, कार्बामाजेपाइन, लिथियम लैमोट्रिजिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस थेरेपी इन अनकॉम्प्लिकेटेड बाइपोलर डिसऑर्डर्स, तो मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स में सोडियम वैलप्रोएट का भी यूज करते हैं, कार्बामाजेपाइन का भी यूज करते हैं, लिथियम एंड लैमोट्रिजिन, इन सब का यूज करते हैं मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स में। लेकिन इनमें से ड्रग ऑफ चॉइस होता है लिथियम, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिथियम का यूज करते हैं फॉर मेंटेनेंस थेरेपी इन अनकॉम्प्लिकेटेड बाइपोलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडाइजेपाइन्स इज यूज्ड एज एंटी एंग्जाइटी एजेंट? अजापिरोन, ट्रायाजोलम, अल्प्राजोलम, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन से बेंजोडाइजेपाइन का यूज करते हैं एज एन एंटी एंग्जाइटी एजेंट? तो बेंजोडाइजेपाइन्स यूज्ड एज एन एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स होते हैं डाइजेपैम, ऑक्साजेपैम, लोराजेपैम, अल्प्राजोलम, देन क्लोरडाइजेपोक्साइड। डाइजेपैम, ऑक्साजेपैम, लोराजेपैम, अल्प्राजोलम एंड क्लोरडाइजेपोक्साइड, ये होते हैं बेंजोडाइजेपाइन्स जिनका यूज करते हैं एज एन एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो अल्प्राजोला में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये अजापिरोन किस में देखा था हमने? तो ब्यूस्पिरॉन होता है ना, अजापिरोन डेरिवेटिव ब्यूस्पिरॉन।
5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट होता है ब्यूस्पिरॉन, एंड केमिकली ब्यूस्पिरॉन होता है अजापिरॉन। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर्स इज कार्बामाजेपाइन, इथोसक्सिमाइड, डायजेपैम, लैमोट्रिजिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर्स, तो पार्शियल सीजर्स के लिए सोडियम आयन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, तो इनमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? तो सोडियम चैनल ब्लॉकर होगा। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो कार्बामाजेपाइन ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यही होगा ना, सोडियम चैनल ब्लॉकर, ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन पार्शियल सीजर्स। एंड पार्शियल सीजर्स इज ऑल्सो नोन एज फोकल सीजर। फोकल सीजर्स बोला जाता है पार्शियल सीजर्स को। ठीक है, ये सिंगल ब्रेन एरिया को अफेक्ट करता है, सिंगल ब्रेन एरिया को अफेक्ट करते हैं पार्शियल सीजर्स, फोकल सीजर्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1 ब्लॉकर विथ लीस्ट एंड मोस्ट सेडेटिव इफेक्ट इज क्लोरफिनिरामाइन, टर्फेनाडिन, प्रोमिथाजिन, फिनिरामाइन, टर्फेनाडिन, डाइफिनहाइड्रामाइन, डाइफिनहाइड्रामाइन, फिनिरामाइन। लीस्ट एंड मोस्ट सेडेटिव इफेक्ट किसका है? तो लीस्ट सेडेटिव इफेक्ट होता है टर्फेनाडिन का, टर्फेनाडिन का होता है लीस्ट सेडेटिव इफेक्ट। मोस्ट सेडेटिव होता है डाइफिनहाइड्रामाइन, डाइफिनहाइड्रामाइन कौन से ऑप्शन में है? तो टर्फेनाडिन, डाइफिनहाइड्रामाइन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टर्फेनाडिन होता है लीस्ट सेडेटिव एंड डाइफिनहाइड्रामाइन मोस्ट सेडेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट यूज फॉर एंग्जाइटी? प्रोप्रानोलॉल, अल्प्राजोलम, ब्यूस्पिरॉन, हेलोपेरिडॉल। नॉट यूज फॉर एंग्जाइटी, तो हमने एंजियोलाइटिक का क्लासिफिकेशन देखा था ना, एंजियोलाइटिक्स क्या देखा था उसमें? तो बेंजोडाइजेपाइन्स में क्या आएगा? तो डाइजेपैम, लोराजेपैम, ऑक्साजेपैम, अल्प्राजोलम। देन अजापिरॉन्स में क्या आता है? ब्यूस्पिरॉन आता है ना, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट होता है। देन एंटी डिप्रेसेंट्स में क्या आएगा? तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये होते हैं एंग्जियोलाइटिक्स। देन बीटा ब्लॉकर क्लास में क्या आता है? तो प्रोप्रानोलॉल। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? प्रोप्रानोलॉल, अल्प्राजोलम, ब्यूस्पिरॉन, हेलोपेरिडॉल। तो प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर है, एंग्जियोलाइटिक होता है। अल्प्राजोलम बेंजोडाइजेपाइन है, ये भी एंग्जियोलाइटिक होता है। ब्यूस्पिरॉन तो अजापिरॉन, एंग्जियोलाइटिक होता है। हेलोपेरिडॉल नहीं होगा आपका एंग्जियोलाइटिक, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेलोपेरिडॉल इज नॉट यूज फॉर एंग्जाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस एक्सेप्ट कोकेन, इंसुलिन, हेपेरिन, एंटीसेरा। इनमें से किसे एनिमल सोर्स से ऑप्टेन नहीं किया जाता एक्सेप्ट पूछा है? तो कोकेन के बारे में हमने क्या देखा था? तो ये नेचुरल लोकल एनास्थेटिक होता है ना, प्लांट ओरिजिनेटेड होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। फैमिली क्या होती है? तो एरिथ्रोजाइलेसी, एरिथ्रो जाइलेसी। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी इंसुलिन, हेपेरिन, एंटीसेरा, ये सभी एनिमल ओरिजिनेटेड होते हैं। हेपेरिन के बारे में हमने देखा था ना, शिप्स लंग्स से ऑप्टेन करते हैं। देन इंसुलिन तो ऑक्स एंड पिग्स से डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट टॉपिकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा नेजल, इंट्रा आर्टेरियल। इनमें से कौन सा लोकल रूट में नहीं आता एक्सेप्ट पूछा गया है? तो लोकल रूट्स में क्या आता है? तो लोकल रूट्स में आते हैं आपके टॉपिकल, टॉपिकल। देन आता है डीपर टिश्यू, डीपर टिश्यू। देन आएगा इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टेरियल। ये होते हैं लोकल रूट्स। इसमें से डीपर टिश्यूज में क्या आता है? तो इसमें आता है इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर। देन आता है इंट्राथिकल, इंट्राथिकल। एंड आता है रेट्रोबल्बार, रेट्रोबल्बार। ये होते हैं डीपर टिश्यू। क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो ऑल आर लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा लोकल रूट में नहीं आता? तो टॉपिकल आता है, इंट्रा आर्टिकुलर तो ये डीपर टिश्यू में आता है ना, इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रानेजल तो ये सिस्टेमिक में आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड इंट्रा आर्टेरियल, ये भी हमने लोकल रूट्स में देखा, इंट्रा आर्टेरियल, डीपर टिश्यू एंड टॉपिकल। सिस्टमिक में कौन से आते हैं? तो इंट्रा नेजल, इंट्रा मस्कुलर, इंट्रा वेनस, इंट्रा डर्मल आएगा, सबक्यूटेनियस आएगा। देन ओरल आता है, रेक्टल आता है, इनहेलेशनल आएगा, ट्रांसडर्मल आएगा। ये होते हैं सिस्टमिक रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एर्गॉट कंपाउंड विच इज प्राइमरीली यूज फॉर डिमेंशिया।
डायहाइड्रोएर्गोटॉक्सिन, मिथिसर्जाइड, ब्रोमोक्रिप्टिन, एर्गोटामाइन। कौन से एर्गोट कंपाउंड का यूज करते हैं प्राइमरीली फॉर डिमेंशिया? तो डिमेंशिया में यूज करते हैं डायहाइड्रोएर्गोटॉक्सिन का, ऑप्शन ए। एंड डायहाइड्रोएर्गोटॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज कॉर्डेगोक्राइन होता है डायहाइड्रोएर्गोटॉक्सिन। आपको ऑप्शंस में डायहाइड्रोएर्गोटॉक्सिन मिलेगा या तो कॉर्डेगोक्राइन मिलेगा, ठीक है। देन एर्गोटामाइन का यूज़ किस में करेंगे? तो माइग्रेन में, ठीक है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म? तो अभी ऑप्शंस ही मत देखो। प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, लीवर होता है ना। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होता है लीवर? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, मिक्स ग्लैंड में आता है। ऑर्गन विच वर्क एज ए ग्लैंड होता है लीवर, एंड ये होता है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। देन किडनी क्या होता है? तो ये होता है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। देन इंटेस्टाइन, ये होता है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। प्राइमरी साइट फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन, एक्सक्रीशन के लिए किडनी, एंड मेटाबॉलिज्म लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रावेनस एनास्थेटिक एजेंट? केटामाइन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, इन्फ्लोरेन। इंट्रावेनस एनास्थेटिक एजेंट, तो हमने जनरल एनास्थेटिक्स, लोकल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन देखा हुआ है। केटामाइन किस में आता है? तो ये जनरल एनास्थेटिक्स के इंट्रावेनस एनास्थेटिक क्लास में आता है ना। डिसोसिएटिव एनास्थेशिया प्रोड्यूस कराता है ये, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। देन नाइट्रस ऑक्साइड किस में देखा? तो ये गैसियस जनरल एनास्थेटिक होता है, इनहेलेशनल क्लास में आता है। ईथर, तो ये इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक्स के वोलेटाइल लिक्विड क्लास में आता है। इन्फ्लोरेन भी इसी में आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? IV एनास्थेटिक एजेंट, केटामाइन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द हिस्टामिनिक रिसेप्टर इज ऑल्सो नोन एज ऑटो रिसेप्टर? H4, H2, H1, H3। इनमें से कौन सा है ऑटो रिसेप्टर? तो ऑटो रिसेप्टर H3 होता है, ऑप्शन डी। ये प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर होता है, प्री साइनेप्टिक होता है। ये H2, H1 ये होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक होते हैं। H1, H2 प्री साइनेप्टिक, H3 ये होता है ऑटो रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? तो अभी ऑप्शन ही मत देखो। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, कार्बामाजेपाइन होता है ना, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, ये होता है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, एंड ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। जो ट्राइजेमिनल क्रैनियल नर्व होती है उसके पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्बामाजेपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल आर सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक एक्सेप्ट एस्टेमिजोल, प्रोमिथाजिन, फेक्सोफेनाडिन, लोराटेडिन। इनमें से कौन सा सेकेंड जनरेशन में नहीं आता? सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो एस्टेमिजोल सेकेंड जनरेशन होता है, प्रोमिथाजिन फर्स्ट जनरेशन, फेक्सोफेनाडिन सेकेंड जनरेशन, लोराटेडिन सेकेंड जनरेशन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रोमिथाजिन, ऑप्शन बी। ये आता है फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक में। और क्या आता है फर्स्ट जनरेशन में? तो प्रोमिथाजिन, डाइफिनहाइड्रामाइन, डायमेनहाइड्रिनेट, फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन, क्लेमास्टिन आता है, साइप्रोहेप्टेडिन आता है, देन हाइड्रोक्सीजाइन आता है। ये होते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स। सेकेंड जनरेशन में क्या आता है? तो टर्फेनाडिन, फेक्सोफेनाडिन, देन लोराटेडिन आता है, सेट्रिजिन आता है, देन एस्टेमिजोल, एजालास्टिन, ये सब होते हैं सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाबा ट्रांसमाइनेज इनहिबिटर? गाबापेंटिन, विगाबैट्रिन, लैमोट्रिजिन, क्लोबाजेम। गाबा ट्रांसमाइनेज इनहिबिटर, तो ये विगाबैट्रिन होता है, विगाबैट्रिन इसके नाम में ही है, गाबा ट्रांसमाइनेज इनहिबिटर विगाबैट्रिन। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रावेनस ड्रग गिवन एट विच एंगल? 45 डिग्री, 25 डिग्री, 10 टू 15 डिग्री, 90 डिग्री। इंट्रावेनस ड्रग कौन से एंगल पे दिए जाते हैं? तो इंट्रावेनस 25 डिग्री, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, देन इंट्राडर्मल 10 टू 15 डिग्री, एंड सबक्यूटेनियस 45 डिग्री। क्या पूछा है क्वेश्चन में? इंट्रावेनस ड्रग गिवन एट विच एंगल? तो इंट्रावेनस 25 डिग्री, ऑप्शन बी, 45 डिग्री सबक्यूटेनियस।
10 टू 15 डिग्री इंट्राडर्मल, 90 डिग्री इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इन सभी एंगल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एंटी गाउट ड्रग विच इज नाइदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी बट सप्रेस गाउटी इन्फ्लेमेशन। इंडोमिथासिन, प्रोबेन एसिड, कोल्चिसिन, सल्फिन पायराजोन। नाइदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी बट सप्रेस गाउटी इन्फ्लेमेशन। तो इंडोमिथासिन किस में आता है? तो हमने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, इसका यूज करते हैं एक्यूट गाउट में। देन प्रोबेन एसिड क्या है? तो ये यूरिकोसूरिक होता है। सल्फिन पायराजोन भी यूरिकोसूरिक होता है, क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं इनका। कोल्चिसिन होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। कोल्चिसिन इज नाइदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी बट सप्रेस्ड गाउटी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ थेरेप्यूटिक इंडेक्स, लोअर द पोटेंसी, लोअर विल बी द इफिकसी, हायर द थेरेप्यूटिक एक्शन, सेफर इज द ड्रग। हायर द वैल्यू ऑफ थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स हाई होगा तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? LD50 डिवाइडेड बाय ED50। लीथल डोज इन 50% पॉपुलेशन टू इफेक्टिव डोज इन 50% पॉपुलेशन, ये होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स हाई होगा तो ड्रग सेफर होता है, एंड थेरेप्यूटिक इंडेक्स अगर लो है तो ड्रग होता है लेस सेफर। तो क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में? हायर द वैल्यू ऑफ थेरेप्यूटिक इंडेक्स, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सेफर इज द ड्रग, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स हाई है तो ड्रग होता है मोर सेफर, लो है तो लेस सेफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइंस ऑफ डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन इन ह्यूमन इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिको डायनेमिक्स, टॉक्सिको काइनेटिक। साइंस ऑफ डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन इन ह्यूमन, तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ पॉइजन होता है, लेकिन यहाँ पे इन ह्यूमन दिया है सो टॉक्सिकोलॉजी तो नहीं होगा, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी होगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी होता है डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन्स इन ह्यूमंस, ठीक है। टॉक्सिको डायनेमिक क्या होता है? तो इसमें पॉइजन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है। एंड टॉक्सिको काइनेटिक, तो फार्माकोकाइनेटिक में हमने देखा था ना, स्टडी ऑफ ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म, एक्सक्रीशन। तो टॉक्सिकोकाइनेटिक में आएगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन, ठीक है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग? फ्लुपेंथिक्सोल, रेसेजिलिन, क्लोबाजेम, वैल्प्रोइक एसिड। एन एंटीसाइकोटिक ड्रग, तो एन एंटीसाइकोटिक ड्रग हो जाएगा फ्लुपेंथिक्सोल, ऑप्शन ए। ये थियोक्सैंथिन डेरिवेटिव होता है, थियोक्सैंथिन डेरिवेटिव होता है फ्लुपेंथिक्सोल। और क्या आता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में और क्या आएगा? तो ब्यूटीरोफेनॉन्स में क्या आएगा? ब्यूटीरोफेनॉन्स में, तो इसमें आता है हेलोपेरिडॉल, हेलोपेरिडॉल आता है। देन फिनोथायजिन में क्या आएगा? फिनोथायजिन, तो इसमें आएगा क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन। और क्या आएगा? तो थियोरिडाजिन, थियोरिडाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, थियोरिडाजिन, ये होते हैं फिनोथायजिन डेरिवेटिव्स। देन अटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्या आता है? अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, तो ओलांजेपाइन, क्लोजापाइन, देन रेस्पिरिडोन आएगा, जिप्रासिडोन आता है, ये होते हैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। एंड थियोक्सैंथिन डेरिवेटिव होता है फ्लुपेंथिक्सोल, ठीक है। रेसेजिलिन किसमें देखा था हमने? तो सेलिजिलिन, रेसेजिलिन, ये हमने देखा था एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में। मायो बी इनिबिटर्स होते हैं ना। देन क्लोबाजेम, बेंजोडाइजेपाइन होता है, ये एंटीसाइकोटिक नहीं होता। वैल्प्रोइक एसिड एंटी इपिलेप्टिक होता है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कोडेन? ऑक्साजेपैम, कैफिन, मॉर्फिन, फिनोबार्बिटोन। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कोडेन, तो ऑक्साजेपैम डाइजेपैम का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। कैफिन, ये हमने 1,3,7 ट्राइमिथाइल ज़ैंथिन देखा था ना। मॉर्फिन, तो कोडेन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिनोबार्बिटोन, तो ये होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडोन, प्राइमिडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट? प्रोबेन एसिड, फेबुक्सोस्टैट, एलोप्यूरिनॉल, इंडोमिथासिन। क्रोनिक गाउट, क्रोनिक गाउट में इनमें से किसका यूज नहीं करते? नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट, तो हमने देखा था क्रोनिक गाउट में यूज करते यूरिकोसुरिक्स का,
यूरिको सुरिक्स का क्या आता है इसमें? तो प्रोपेनेसिड आता है एंड सल्फिन पायराजोन आता है। देन क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का, ये होता है एलोप्यूरिनॉल। एक्यूट गाउट में किसका यूज करते हैं? एक्यूट गाउट में तो एनसेड्स का यूज करते हैं, एनसेड्स का। देन कोल्चिसिन का यूज करते हैं। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो प्रोबेनेसिड क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं, फेबुक्सोस्टैट का भी यूज करते हैं क्रोनिक गाउट में, एलोप्यूरिनॉल जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्रोनिक गाउट में इसका यूज करते हैं। इंडोमिथासिन आएगा आपका एनसेड्स में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है, इसका यूज करेंगे एक्यूट गाउट में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज अवॉइड इन फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म? सबलिंगुअल रूट, ओरल रूट, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, इनमें से किसे अवॉइड करते हैं फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म में? तो ओरल रूट इज अवॉइडेड इन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओरल रूट से ड्रग नहीं दिया जाता अगर उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाइफ सेविंग ड्रग्स? नेचुरली ऑब्टेन ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग, ऑर्फन ड्रग्स, ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन से ड्रग्स आते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स में? तो नेचुरली ऑब्टेन ड्रग्स ये तो नहीं होंगे, इसेंशियल ड्रग्स ये इसेंशियल होते हैं लेकिन लाइफ सेविंग्स में नहीं आते, ऑर्फन ड्रग्स होंगे आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑर्फन ड्रग्स का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज, इसलिए ये होते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट चॉइस ऑफ डीमार्ट फॉर मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड, मीथोट्रेक्सेट, नन ऑफ दीज। फर्स्ट चॉइस डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग फॉर मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो हमने एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, फर्स्ट चॉइस डीमार्ट कौन सा होता है? मीथोट्रेक्सेट होता है, ऑप्शन सी। इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है, इसलिए ये होता है फर्स्ट चॉइस डीमार्ट फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देन हमने इसे एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में भी देखा था, एंटी कैंसर एंटी मेटाबोलाइट होता है ये, डायहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है? तो टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है ना, मीथोट्रेक्सेट। देन इसे किसके साथ में अवॉइड करते हैं, कौन इसकी टॉक्सिसिटी को एनहेंस कराता है? तो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स, एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स इसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कराते हैं, एनहेंस कराते हैं, इसलिए इन्हें अवॉइड करते हैं मीथोट्रेक्सेट के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट इज इमिप्रामिन, एमोक्सेपिन, बुप्रोपियन, सिटालोप्राम, अ टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। तो हमने एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया हुआ है, क्या आएगा अ टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में? तो इसमें ब्यूप्रोपियन आता है, बुप्रोपियन, और क्या आएगा? तो मियानसेरिन आता है, मियानसेरिन, मिर्टाजेपिन आता है, मिर्टाजेपिन, मैप्रोटिलिन आता है, मैप्रोटिलिन, ये होते हैं अ टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो इमिप्रामिन किस में देखा था? तो ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है ना, नॉक्चर्नल इनुरेसिस में इसका यूज करते हैं, ये टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होता है। एमोक्सेपिन ये भी टिपिकल होता है। बुप्रोपियन तो ये आएगा आपके अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिटालोप्राम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है ना, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, सर्ट्रालिन, फ्लोक्साटिन, फ्लोक्सामाइन, ये होते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट कराते हैं। एंड ये जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, ये नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन इन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट कराते हैं। एंड ये जो अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, ये डायरेक्टली नॉरएड्रेनालिन या सेरोटोनिन इन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट नहीं कराते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबंडेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन द CNS इज गामा ग्लूटारिल ट्रांसफरेज, गामा लिनोलेनिक एसिड, गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, नन ऑफ दी अबव। द एबंडेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन द CNS। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स तो गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा, देन ग्लाइसिन आएगा, ग्लाइसिन, देन डोपामाइन, डोपामाइन, और कौन सा आता है? तो सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ये होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। देन एक्साइटेटरी में क्या आता है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स तो इसमें ग्लूटामेट आता है, ग्लूटामेट, देन एस्पर्टेट आता है,
एस्पर्टेट, ये होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड इन दोनों में क्या आएगा, मिक्स्ड में कौन से आते हैं, मिक्स्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनमें इनिबिटरी एंड एक्साइटेटरी दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, तो ये होते हैं एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। और क्या आएगा, तो नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन नॉर इपिनेफ्रिन, ये आते हैं मिक्स्ड में। ठीक है, इनमें इनिबिटरी एज वेल एज एक्साइटेटरी दोनों प्रॉपर्टीज होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एबंडेंट इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन द सीएनएस। तो इनिबिटरी गाबा, ग्लाइसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, क्या दिया है ऑप्शंस में, तो गामा ग्लूटारिल ट्रांसपरेज, ये तो एंजाइम होता है ना, ये एंजाइम होता है, गामा लिनोलेइक एसिड, ये नहीं होगा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा, यही होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गाबा, ग्लाइसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये आते हैं आपके इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।